दोस्तों मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ गए और इसको कैसे हैंडल करना है सीख गए तो यकीन मानो दोस्तों आप वो सब कर पाओगे जिस चीज़ के आप सपने देखते हो। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज तक का ये मेरा बेस्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको लाइफ चेंजिंग लेसन सिखाऊंगा। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपको पता आपको क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है वक्त। आज इस वीडियो के बाद आप पैसे से ज़्यादा इसकी कीमत करने लगोगे। क्या आपको पता है कि एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान में क्या फ़र्क होता है? कि कामयाब इंसान जानता है कि उसको अपना पैसा और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसलिए वह कामयाब है। और दूसरा बंदा ये नहीं जानता, इसलिए वह गलत चीज़ों में अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर देता है, इसकी वजह से वो नाकामयाब है। पैसे का इन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, पर यह टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है? तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुसैन बोल्ट 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन, लास्ट 3 ओलंपिक में 115 सेकंड के लिए भागे और इनको इसके लिए $119 मिलियन मिले, मतलब एक सेकंड का लगभग $1 मिलियन। क्या बात है ना गाइस, एक सेकंड का $1 मिलियन। 115 सेकंड भागने के लिए उन्होंने खुद को अब 20 साल तक ट्रेंड किया था। तो गाइस ये था टाइम का इन्वेस्टमेंट। ऐसी एक और स्टोरी है पिकासो की। एक बार वह एक होटल में बैठे थे, वहाँ पर एक लेडी आ गई और उनको एक स्केच बनाने के लिए जिद करने लगी। पिकासो ने वहीं पर एक पेपर पे 2 मिनट में उस लेडी की पेंटिंग बना दी और बोला दिस इज $1 मिलियन स्केच। लेडी थोड़ा हैरान हो गई, उन्होंने मार्केट में जाकर इंक्वायरी की तो वह शॉक हो गई क्योंकि वैसे ही में वह स्केच $1 मिलियन की थी। लेडी वापस आके पिकासो के पास आके पूछने लगी कि आपने 2 मिनट में $1 मिलियन स्केच कैसे बना दिया? तो पिकासो ने हंसकर कहा, मैंने इस काबिलियत को पाने के लिए अपने लाइफ के 25 से 30 साल दिए हैं, इसलिए मैं ऐसे स्केच बना पाता हूँ। तो गाइस ये है वक्त का इन्वेस्टमेंट। आप भी अपने वक्त को ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न दें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी टाइम है उसे न्यू चीज़ सीखने में इन्वेस्ट करें, इसके रिटर्न जिंदगी भर आपको मिलेंगे। अगर आज आप इसे वेस्ट कर दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, इसलिए अपने वक्त की कदर करो। अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी, क्योंकि अगर वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, बुरे वक्त में तो अपने भी बदल जाते हैं। और बुरे वक्त से कभी हार मत मानना क्योंकि वक्त की एक खासियत है, ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो बदलता जरूर है। दोस्तों हम हिस्ट्री में कुछ गिने चुने लोगों को ही जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं। शाहरुख खान जो कि एक बॉलीवुड सुपरस्टार है, इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी वह सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी का पूरा टाइम काम करते रहते हैं। अगर आप इनके फैन हो तो आपको जरूर ये बात पता होगी। दोस्तों मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ या अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो बोलते हैं विकास भाई मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बस मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई तेरे को टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे में धीरू भाई ने रिलायंस बनाई थी, इसी 24 घंटे में जैकमा ने अलीबाबा को बनाया था, तो तेरा टाइम क्यों कम पड़ रहा है? तो मैं तुमको एक टाइम मैनेज करने की एक ट्रिक बताता हूँ भाई जो मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों आप कितने बजे भी उठो, 6, 7, 8 कितने बजे भी उठो, आप उठने के बाद एक पेपर लेना, उस पर आप जो पूरे दिन में आप करना चाहते हो वो सारे चीज़ उस पर लिख लेना और तब तक मत सोना गाइस जब तक वो सारे काम कंप्लीट ना हो जाए। देखना आपको पूरे दिन के लिए आपके लिए बहुत सारा काम होगा आपके पास करने के लिए। दोस्तों ये वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप सही चीज़ में इन्वेस्ट करते हो या गलत चीज़ में वेस्ट करते हो, क्योंकि वक्त उन चीज़ों में से है जो कभी वापस नहीं आता। दुनिया में इतना अमीर कोई नहीं है जो अपने बीते वक्त को खरीद सके, और इतना गरीब कोई नहीं है जो अपने आने वाले वक्त को ना बदल सके। इसलिए वक्त तुम्हें बदले, तुम वक्त को बदल दो। और हाँ गाइस एक लास्ट बात और, तुम अपने टाइम को किसी और के टाइम के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई अपने टाइम लाइन से जीता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनर बन जाता है और 50 में मर जाता है, कोई 50 की उम्र में बिलियनर बनता है 90 तक जीता है, कोई 90 में रिटायर हो जाता है, तो कोई 70 में अपनी करियर की शुरुआत करता है। तो ऑल द बेस्ट एंड इन्वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। थैंक यू।